स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आज है हम शाही शहर पटियाला में, और पटियाला जाना जाता है यहाँ के फूड्स के लिए स्पेशल और घूमने के लिए। यहाँ ये इस तरफ काली माता का मंदिर है, यहाँ पे फेमस और काफ़ी पुराना शक्तिपीठ काली माता जी का मंदिर है, और ये मेन अट्रैक्शन है यहाँ की। ये इस तरफ पराठिया वाली शॉप्स हैं काफ़ी, मीनू पराठा और पूजा पराठा, यहाँ की जो फेमस पराठे शॉप्स हैं वो सारी उस तरफ हैं। और सबसे पहले अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं, सबसे पहले की जो फूड ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहे हैं वो है जगदीश मेहर, और इनके यहाँ पे ये नान मिलते हैं, छोले नान, और साथ में होते हैं इनके चने आलू और चटनी, और साथ में लाए चना भटूरा। आज दिन की शुरुआत पटियाला में की है, और सबसे पहले यहाँ पे फूड ट्राई कर रहे हैं, और ये नान है तंदूरी नान, और इसमें स्टफिंग भी बेहतरीन स्टफिंग की हुई आलू की, ये ट्राई करते हैं। अमृतसर कुलचा थोड़ा डिफरेंट होता है, ये नान है और साथ में है चने। बढ़िया टेस्ट है इसका, यानी कि जो नान होती है उनका एक अलग टेस्ट है और अमृतसरी कुलचे का अलग टेस्ट है। ये काफ़ी सॉफ्ट है, आलू स्टफ है, और साथ में यहाँ पे चने भटूरे का भी है, तो भटूरा भी ट्राई करते हैं। भटूरों का टेस्ट भी अच्छा है इनका। तो इसकी मैं लोकेशन बता देता हूँ, ये है जगदीश मेहर कुलचे छोले और नान, ये दुख निवारण गुरुद्वारे के बैक साइड पे है। जब भी आप पटियाले में आए तो एक तो यहाँ का फूड ट्राई करें, और साथ में ये कि यहाँ पे दुख निवारण गुरुद्वारा है तो वहाँ से दर्शन करके आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ। शेरांवाला दरवाजा, शेरांवाला गेट, ये यहाँ की मेन अट्रैक्शन है, ओल्ड पटियाला इसको हम कह सकते हैं। तो गाइस ये है महेंद्र सिंह के मशहूर छोले भटूरे, और हमने गाड़ी में ले आए हैं, और वो आप पीछे देखो उनकी दुकान है, और वहाँ पे जगह कम है बैठने को और बहुत ही ज़्यादा रश है, काफ़ी लोग वैसे अपनी गाड़ियों में ही प्रेफर कर रहे हैं खाने को। और ये इनके चने हैं, साथ में ये चटनी है, और ये चने भी ना काफ़ी मतलब कि टेस्टी लग रहे हैं इनके ना, तो ये ट्राई करते हैं। एकदम गर्मा गर्म फ्रेश और इतने टेस्टी है कि इनका ना अलग ही टेस्ट है जो हम नॉर्मल आम खाते हैं, और यहाँ की जो पटियाला की हैं ये छोले भटूरे अलग ही टेस्ट है। एक बार जैसे मैं अभी खा रहा हूँ तो मन कर रहा है कि दोबारा फिर आऊँ और फिर खाऊँ, इतने अच्छा इनका टेस्ट है, और चने का भी एक अलग ही मज़ा, अलग ही स्वाद है। तो महेंद्र सिंह के छोले भटूरे खाने के बाद थोड़ी सी आगे आके ये भी ऑप्शन है चिकन के बिरयानी के, फिलहाल हम इसको स्किप कर रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं कचौरी खाने। तो जी अब आ गए हैं साधु राम कचौरी वाले के पास, और गाड़ी लगाने की जगह देखते हैं कहाँ पे है, गाड़ी लगाने की जगह है नहीं। काफ़ी फेमस शॉप थी एक्चुअली ये, तो का पटियाला की गलियों के अंदर से घूमते घूमते अब यहाँ पे आए हैं साधु राम कचौरी वाला, और यहाँ भी पार्किंग की प्रॉब्लम है।
तो आओ इनकी शॉप दिखाता हूँ और साथ में कचौरी ट्राई करते हैं। ये है जी साधु राम कचौरी वाले। ये कचौरियाँ साथ में क्या छोले आलू की सब्जी। गर्मा गर्म समोसे बना रहे हैं कभी दो डाल दो। जगह का काफ़ी कंजस्टेड है ना, पीछे लगा के आए हैं। बैटरी जगह भी है ऊपर नहीं साथ में इधर है। तो ये जी साधु नाम की कचौरी, आइए ट्राई करते हैं। काफ़ी गर्म लग रही है। साथ में है आलू की सब्जी और देखो ये देखो ये कुछ अलग ही इन्होंने ना अपना बनाया हुआ है। यही चीज़ जो है ना उड़द की दाल का अंदर का टेस्ट जो है वही इस कचौरी को बाकी कचौरियों से अलग बना रहा है। हालांकि गली बहुत कंजस्टेड थी, गाड़ी लगाने का जगह नहीं थी तो उनसे मैं ज़्यादा देर बात नहीं कर पाया, लेकिन टेस्ट भी लाजवाब है, एक अलग ही टेस्ट है इनका। जैसे दिल्ली में एक कचौरी, दिल्ली की भी काफ़ी फेमस कचौरी है, वो वाला टेस्ट अलग है, लेकिन ये वाला टेस्ट एक अलग ही टेस्ट है। इसके अंदर उड़द की दाल जो है ना वो मैश की हुई है। मगोटरा स्वीट कॉर्नर और यहाँ पे मिलते हैं इनके स्पेशल पनीर पकौड़े, तो आइए ट्राई करते हैं। ये आगे जिनके पनीर के पकौड़े, ये यहाँ के फेमस है। चटनी भी इनकी बहुत टेस्टी है, खट्टा मीठा कम्बिनेशन आ रहा है चटनी का, साथ में प्याज। अक्सर पनीर के पकौड़े छोटे साइज़ में देखे होंगे पर इनके देखो पनीर के पकौड़े का जो साइज़ है अल्टीमेट है और अलग ही टेस्ट आ रहा है। और गर्मा गर्म पकौड़े कितना का की प्राइस है? सही आइटम है ये, राजस्थान में मोस्टली मिलती है, यहाँ भाजी भी रखी है। ये देसी भी मिलता है, अच्छा टेस्ट है। अभी ये मैं आया हूँ गैग्स फूड पॉइंट में और इनके एक दो ये फ्राइड राइस मंगाए हैं और फ्राइड राइस अच्छा टेस्ट है इनका फ्राइड राइस का और मोमोज हैं इनके चिकन मोमोज। हालांकि गर्म बोल रहा अभी तो चिकन मोमोज का भी टेस्ट अच्छा है। वैसे तो पटियाला में काफ़ी ऑप्शन है चाइनीज़ फूड के, और अगर आप धर्मपुरा बाजार या जो ओल्ड पटियाला इसकी तरफ हो तो ये गैग्स फूड पॉइंट अच्छा ऑप्शन है और इनके जो रेट्स हैं ना ये वो भी रिजनेबल है। और एक इनकी ये आइटम का ये चिकन नूडल देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रहे हैं। लेट्स ट्राई और ये जी मंगाए ग्रेवी मंचूरियन, ग्रेवी चिकन मंचूरियन। जो चिकन मंचूरियन मंगवाया इसका ये आप देख सकते हैं, इसका ना प्रॉपर जो ऑथेंटिकेट चाइनीज चिकन मंचूरियन होता है वैसा टेस्ट तो नहीं लगा।
हालांकि मैंने नूडल के साथ ट्राई किया है, इसकी जो ग्रेवी है तो मतलब अलग टेस्ट है, बाकी ठीक है, इट्स गुड नॉट बैड। तो आज का दिन समाप्त हो गया, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लेते आएंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हंसते रहिए और बने रहिए आपके साथ। गुड नाइट।